फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं। ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वफ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वफ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। कुछ इश्यूज पर सुनवाई का भी कोर्ट ने फैसला लिया है, कब से? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पर सुनवाई। आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है। 12 अगस्त से अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से। हाँ जी जी, अब सारे में बात बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3, ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित थे, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पर कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से, और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है क्या? 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज मयंक, ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल करें। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं आप, कह रहे थे लाइन ड्रॉ होगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट की बात होती। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है। और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की, हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। ठीक ठीक, अब एक सर तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि ये बहुत अहम फैसला है पोषणीयता को लेकर, अब ये पक्ष में हिंदू पक्ष में आ गया, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है कि उनकी आपत्ति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हमारी सहयोगी गायत्री लगातार रिपोर्ट कर रही है, उनका रुख कर लेते हैं। गायत्री, बहुत बड़ी बात है ये, विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि अब ट्रायल 12 तारीख से शुरू होगा, यानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी गई थी, वक्फ एक्ट की दलील दी गई थी, वो सारी खारिज हो गई है, अब सुनवाई इस मामले में शुरू होने वाली है 12 अगस्त से। बिल्कुल सलोनी, देखिए 5 एक्ट बताए गए थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, लिमिटेशन एक्ट था, वक्फ एक्ट था, स्पेशल रिलीफ एक्ट था और ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इसको, इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है। यानी ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो 18 याचिका हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी उसमें तमाम दावे किए गए थे कि कैसे मस्जिद बनाई गई थी मंदिर तोड़कर, और ये जो जमीन है वो कृष्ण जन्मभूमि है, और जो पूरा मसला था वो दरअसल 13.37 एकड़ का था, उसको लेकर ये पूरा विवाद था, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा था कि ये हिंदू पक्ष को दी जानी चाहिए, पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। ये तमाम जो 18 याचिकाएं थी ये सुनवाई योग्य है, यानी ये 13 की 18 याचिकाएं मेंटेनेबल है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सलोनी, मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ही ये आदेश भी दिया गया था कि एक कमेटी बाकायदा बनाई जाए कोर्ट की निगरानी में और वो सर्वे के काम को आगे बढ़ाए, लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जिस पर उन्होंने कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई थी तब तक के लिए जब तक कि इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं कर लेता। और आज जो फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा जो 18 की 18 याचिकाएं हैं वो मेंटेनेबल हैं, यानी सुनवाई योग्य है, तो अब 12 तारीख से एक एक कर तमाम जो याचिकाएं हैं उनमें जो दलीलें दी गई हैं उसको लेकर 12 तारीख से जानकारी दे रही है, अब उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा है कि कैविट दाखिल करेंगे, यानी कुछ भी करने से पहले एक बार पक्ष नहीं होगा हिंदू पक्ष का, इसको लेकर भी तैयारी दिखाई दे रही हिंदू पक्ष की तरफ से। गायत्री, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी,
गायत्री जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी को रोक लगाई हुई थी, उसको लेकर भी विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कैविएट भी दाखिल करेगा। यानी कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार हिंदू पक्ष क्या कह रहा है ये चाहता है कि वो बात सुप्रीम कोर्ट भी सुने। हर तरह से तैयारी दिख रही है हिंदू पक्ष की। गायत्री बिल्कुल देखिए, चार महीने तक लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। हिंदू पक्ष ने इस आप तो आप पर कहा था कि जो पूरा ढाई एकड़ का एरिया है श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह वहीं पर है और वो जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को दी जानी चाहिए। मुस्लिम पक्ष लगातार कई सवाल खड़े कर रहा था, वो इन तमाम याचिकाओं की, इन तमाम वादों की पोषणीयता पर ही सवाल खड़े कर रहा था। इसको लेकर कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई की, हिंदू पक्ष की दलीलों को भी सुना, मुस्लिम पक्ष की दलीलों को भी सुना और उसके बाद कोर्ट की तरफ इन तमाम याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया है। यानी ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, मुस्लिम पक्ष के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जाएगा क्योंकि जिन रूल्स का हवाला देते हुए, जिन एक्ट्स का हवाला देते हुए, जिन पांच रूल्स का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये जो याचिकाएं हैं ये मेंटेनेबल ही नहीं है, इन पर सुनवाई योग्य ही नहीं है, इनकी सुनवाई का कोई आधार ही नहीं है। दरअसल इस तरह की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की जो तमाम 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे द ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। चार साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोषणीयता को लेके चार महीने की काफ़ी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा, हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं।